नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे कैप्सूल की बात करने वाले हैं जो पुरुषों के सेक्सुअल प्रॉब्लम में इफेक्टिव होने के साथ साथ एक इफेक्टिव रिजुवेनेटिंग हेल्थ सप्लीमेंट भी है। यह शरीर को उत्साह और तरोताजा बनाने के साथ साथ पुरुषों के विशिष्ट रोग जैसे कि धातु रोग, लो स्पर्म काउंट, वीर्य का पतलापन आदि रोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जय ऋषि के कॉम्फीमैन कैप्सूल के बारे में। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। तो दोस्तों, कॉम्फीमैन कैप्सूल एक यूजफुल हेल्थ सप्लीमेंट के साथ साथ कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में टॉनिक के रूप में बहुत अच्छा काम करती है। जो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन साई, कमजोरी, मूत्र यानी यूरिन से विदे का निकलना, ऐसे प्रॉब्लम में काफ़ी इफेक्टिवली काम करती है। इसके साथ ये कैप्सूल लो टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करने में काफ़ी उपयुक्त देखी गई है। ये कैप्सूल स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम भी बहुत अच्छे से करती है और इसके सेवन से स्पर्म काउंट इंक्रीज होता दिखाई देता है। जो लोग हमेशा थके थके या फिर लो एनर्जी फील करते हैं, उनके लिए भी इस कैप्सूल के सेवन से फ़ायदा देखा जाता है। तो दोस्तों, अब जरा डिटेल में जानते हैं कॉम्फीमैन कैप्सूल के इंग्रेडिएंट के बारे में और बाद में जानेंगे कि इस कैप्सूल को कौन कौन और किस प्रकार से यूज़ कर सकता है। इस कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें शामिल सभी इंग्रेडिएंट्स प्योर एंड हाई क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसमें सफ़ेद मूसली, कौच बीज, गोखरू, अश्वगंधा, सर्पगंधा, काली मिर्च, जायफल, अक्कलकारा, केसर और शुद्ध शिलाजीत शामिल हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स रस, रक्त, मांस और शुक्र धातु की कमजोरी को दूर करके शुक्र धातु की वृद्धि और पुष्टि करने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये हर्ब शरीर में प्राकृत धातुओं की निर्मित में बहुत ही कारगर होते हैं। सफ़ेद मूसली की बात करें तो सफ़ेद मूसली गुण में शीतल यानी ठंडी तासीर वाली होती है। ये मधुर रस की है जो बल, वर्ण और ताकत को बढ़ाने वाली होती है। यह वृष यानी सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। ये पुष्टिदायक यानी शरीर को मजबूत करती है और ये पुरुषों की लैंगिक शक्ति को भी बहुत अच्छे से बढ़ाती है। कौच बीज शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है, साथ में ये लैंगिक शक्ति को भी रिस्टोर करता है। गोक्षू जो है वो मूत्र व संस्थान पर शामक से काम करता है और साथ में ही वीर्य की मात्रा को इंक्रीज करने का यानी वीर्य को बढ़ाने का काम भी अच्छे से करता है। अश्वगंधा, दोस्तों अश्वगंधा एक ऐसा प्लांट है जो लगभग सभी हेल्थ इश्यूज में यूज किया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो शरीर का स्टैमिना, मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। इस कैप्सूल में सर्पगंधा शामिल है। दोस्तों, सर्पगंधा अच्छी नींद और मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। काली मिर्च एक योगवाही द्रव्य है जो बाकी सभी औषधीय तत्वों को शरीर धातुओं तक पहुंचाने का काम करती है। जायफल स्तंभक है जो समय से पहले होने वाले वीर्य स्राव को रोकने के लिए बहुत ही मशहूर है। केसर एक बहुत ही अच्छा कामोत्तेजक है जो काम की इच्छा को बढ़ाता है और साथ में ही केसर जो है वो रक्त धातु के लिए बहुत ही पुष्टिकर होता है। अक्कलकार का एक्सट्रैक्ट जो होता है वो नसों को ताकत देने में काफी सहयोगी होता है। दोस्तों, शिलाजीत एक ऐसा मिनरल है जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा असरदार साबित होता है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ शरीर की वाइटलिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। दोस्तों, यौन संबंधों के बाद जो लोग बहुत थकान का अनुभव करते हैं उनके लिए ये सभी इंग्रेडिएंट्स काफी अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, बात आती है कि इस कैप्सूल को कौन कौन ले सकता है। ये कैप्सूल अच्छे शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छी इम्यूनिटी और मन के स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन से कमजोरी आई हुई हो या जिन्हें मूत्र से शुक्र का स्त्राव होता हो या फिर नाइटफॉल की प्रॉब्लम या शारीरिक कमजोरी, जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम में जो होते हैं उन लोगों को अपना मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल पावर यदि बढ़ाना है तो ये कैप्सूल काफ़ी अच्छा काम करता है। दोस्तों, ये कैप्सूल सेक्सुअल टाइम को बढ़ा के जोश का एहसास दिलाती है। ये शरीर का स्टैमिना बढ़ा के प्रीमैच्योर इजेकुलेशन यानी शीघ्र पतन में काफ़ी सहायता करती है। इसके इस्तेमाल से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफ़ी राहत मिलती है और लिंग में ज़्यादा देर तक तनाव टिका रहता है। तो दोस्तों, इस कैप्सूल के जनरल डोसेस के बारे में बात करें तो इसका एक कैप्सूल सुबह और शाम को कुछ खाने के बाद थोड़े से दूध या पानी के साथ लेना होता है। आपके डॉक्टर चाहे तो आपको इससे ज़्यादा डोज लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके नॉर्मल डोज के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज इसे बिना डॉक्टर के सलाह से बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कॉम्फीमैन कैप्सूल की। आपको इस कैप्सूल के बारे में
और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आपको वहां से इस कैप्सूल के बारे में और भी सभी ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें, और हाँ, इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर।